नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 9 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। राजगीर पहुंची गंगा, सफल रहा ट्रायल रन। बिहार में नहीं होगी बालू की कोई किल्लत। बिहार के इन जिलों में जल्द ही शुरू होगी खुदाई। बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में दिव्यांगजनों को मिलेगी बैटरी चलित साइकिल। बिहार की नीतीश सरकार दिव्यांगजनों को बड़ी सहूलियत देने जा रही है, जिसके तहत ही जल्द ही बिहार के सभी दिव्यांगजन को सरकार सहायक उपकरण के अलावा चलने फिरने में दिक्कत होने पर ट्राई साइकिल देती थी। लेकिन अब तक इन ट्राई साइकिल के लिए हाथ से ही पैडल चलाना पड़ता था, लेकिन अब मिलने वाली ट्राई साइकिल चलाने के लिए पैडल दबाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बिहार की नीतीश सरकार छात्र छात्राएं और परिवार के कमाऊ सदस्य के लिए अब बैटरी चलित ट्राई साइकिल देने वाली है। इसको लेकर बीते दिन से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ध्यान रहे, समाज कल्याण विभाग ऐसे दिव्यांग छात्र छात्राओं को बैटरी चलित ट्राई साइकिल दे रहा है जिनके आवासन स्थल से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय परिसर की दूरी 3 किलोमीटर या उससे अधिक हो। बिहार के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। बिहार में भले ही बेरोजगारी बढ़ रही हो, लेकिन युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने अब अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने अब नई स्टार्टअप नीति को स्वीकृति दे दी है। इसमें चयन प्रक्रिया भी बेहद ही आसान होने वाली है, जिसके तहत ही 10 साल के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके बाद ही अब तेजी से नए उद्यमी भी आगे आ रहे हैं। हालांकि अभी तो अपेक्षित आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है। नए आइडिया के साथ तो बड़ी संख्या में लोग आगे आए थे, लेकिन अब इन युवाओं में अब तक मात्र 1% के स्टार्टअप को ही बैंकों से मदद मिली है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। हालांकि इसका समाधान यही है कि बिहार में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों का सहयोग जरूरी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कादम्बिनी गांगुली की। कादम्बिनी बोस गांगुली पहली भारतीय महिला डॉक्टरों में से एक थी जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ अभ्यास किया। वो भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला थी। गांगुली 1884 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाली पहली महिला थी। बाद में स्कॉटलैंड में प्रशिक्षित हुई और भारत में एक सफल चिकित्सा पद्धति की स्थापना की। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला स्पीकर थी। गांगुली बसु का जन्म बंगाली कायस्थ परिवार में ब्रह्म सुधारक ब्रजा विशोर बसु के बेटी कादम्बिनी बसु के घर हुआ था। उनका जन्म 18 जुलाई 1861 को ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के भागलपुर में हुआ था, जो कि 12 साल में पली बढ़ी थी। बिहार में यहां अब सभी सरकारी संस्थानों में मिलेगी वाईफाई की सुविधा। बिहार की राजधानी पटना के सभी महत्वपूर्ण पार्कों के साथ साथ सरकारी भवन वाले संस्थानों में जल्द ही इंटरनेट की समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि जल्द ही इन सभी संस्थानों में वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसकी जानकारी बीते दिन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने दी। साथ ही इस बैठक में उन्होंने दावा किया है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में चल रहे प्रोजेक्ट को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया जा चुका है और सभी विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आईटी विभाग द्वारा चल रहे कई महत्वपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान बैठक में मंत्री जीवेश ने बिहार में बनने वाले उत्तर भारत के सबसे बड़े डेटा सेंटर SDC 2 के शुभारंभ को लेकर विस्तृत चर्चा की। कोविड महामारी की वजह से इसके शुभारंभ में हुए विलंब के उपरांत दोबारा विभाग द्वारा इस साल में डेटा सेंटर को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार के इन जिलों में जल्द ही शुरू होगी खुदाई। बिहार में जमीन के नीचे छिपे खजाने को बाहर निकालने के इरादे से बिहार सरकार ने बीते दिन बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके तहत ही बिहार सरकार ने अब बिहार के विभिन्न जिलों में खुदाई की बात कह दी है। इसके तहत बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम ने कहा कि जमुई, गया और औरंगाबाद में जल्द खनन का काम शुरू होने वाला है, यानी इन जिलों में खुदाई में काम शुरू होगा और खुदाई में सोना और तमाम मूल्यवान खनिज पदार्थ निकलेंगे। इससे सिर्फ बिहार को नहीं, पूरे देश को काफी फायदा मिलेगा। इन जिलों में खुदाई से क्रोमियम निकलने की उम्मीद है, जो अब तक इंटरनेशनल मार्केट से भारत में आयात कराया जाता था। वहीं पोटाश मिलने से खाद की जो किल्लत होती है वो दूर होगी। दरअसल GSI के सर्वेक्षण में ये सामने आया है कि जमुई जिले के करमाटिया, झाझा और सोनो जैसे क्षेत्रों में सोने की मौजूदगी काफी ज्यादा है। राजगीर पहुंची गंगा, सफल रहा ट्रायल रन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से गंगाजल उद्वह परियोजना अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है, क्योंकि इसका बीते दिन ही राजगीर में सफल ट्रायल हो गया है, जिसके बाद ही अब लाखों की आबादी को शुद्ध गंगा का पेयजल सप्लाई मिलने वाला है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के मुताबिक करीब 357.64 एकड़ में फैले 9.915 MCM जल भंडारण क्षमता वाले विशाल राजगीर जलाशय के बांध की लंबाई 2.013 किलोमीटर और ऊंचाई 17.07
7 मीटर है। इसके योजना के माध्यम से नालंदा के राजगीर सहित गया और नवादा जिले के लगभग 12 लाख की आबादी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। इसका ट्रायल हो चुका है जो पूरी तरह सफल रहा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से 85 लाख से अधिक लोगों के घरों में गंगा जल पहुंचाने की योजना है। इस पर 500 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होनी है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निकाली रिक्तियां। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ITI अप्रेंटिस सचिवीय सहायक डिप्लोमा अप्रेंटिस स्नातक अप्रेंटिस मानव संसाधन कार्यकारी CSR कार्यकारी कार्यकारी कानून के कुल मिलाकर 1151 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI स्टेनोग्राफी सेक्रेटेरियल कमर्शियल प्रैक्टिस बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग में BE BTEC BSc के ज्ञान के साथ ही 10वीं पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी HR MSWPG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन मास्टर्स इन सोशल वर्क या रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट या फिर समकक्ष या कानून में स्नातक या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.powergridindia.com पर जाकर इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी ले सकते हैं। बिहार में यहां बनेगा राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क। बिहार में पहला ऑक्सीजन पार्क जल्द ही बनने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये पार्क गोपालगंज जिले के थावे के जंगल में बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 शहरों के वन क्षेत्रों को नगर वन योजना से विकसित किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि पार्क कोई साधारण पार्क नहीं होगा बल्कि यहां तमिलनाडु के सलेम की तर्ज पर बांस की खास किस्म के पौधे लगाए जाने की तैयारी है। इसको लेकर वन विभाग ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अब सिर्फ थावे वन परिसर में ऑक्सीजन पार्क के लिए सटीक जगह का चयन करना बाकी रह गया है। वो जल्द विभाग द्वारा कर लिया जाएगा और इसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। बिहार में नहीं होगी बालू की कोई किल्लत। भले ही वर्तमान समय में बिहार में बालू की भारी किल्लत देखने को मिल रही हो लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में आने वाले समय में बालू की कोई किल्लत नहीं होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ये दावा किया है बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक रामदेव। इसको लेकर बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ही कहा कि बिहार में बालू की कोई किल्लत नहीं है। वर्तमान समय में बिहार में बालू की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं किसी को कोई परेशानी आ रही है तो वो जिले के DM या खनन पदाधिकारी के समक्ष अपनी समस्या को रख सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के स्तर पर उन्हें बालू उपलब्ध कराया जाएगा। 3 महीनों के लिए राज्य में बालू का भरपूर स्टॉक है। बाबा धाम देवघर जाने वालों को बिहार सरकार देगी खास सुविधा। श्रावणी मेले की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। वहीं इस मेले की शुरुआत को लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने अपनी तरफ से कांवरियों को कोई परेशानी ना हो इस बात का भी से ही खास ध्यान रखना शुरू कर दिया है। इसी बीच अब बिहार सरकार ने कांवरियों की यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है जिसके बाद अब आने वाले समय में न ही कांवरियों के पैरों में पहाड़ी के रास्ते कंकड़ पत्थर ना चुभेंगे और न ही गर्म बालू से कांवरियों के पैर में छाले पड़ेंगे क्योंकि अब कांवरियों की सहूलियत के लिए प्रशासन ने खास तैयारी कर ली है जिसके तहत ही सुल्तानगंज से झारखंड की सीमा से सटे डुम्मा तक कांवरिया पथ पर इस बार लाल की जगह सफेद बालू बिछाने की योजना बनाई जा रही है। नवादा के इंद्रसाल में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पौराणिक गाथाओं के अनुसार एक बार गौतम बुद्ध यहां आए थे और गुफा में निवास किया था। उन्होंने एक वर्ष वर्षावर्ष यहीं बिताए हैं। यह समय देवताओं के राजा इंद्रदेव आए थे और उन्होंने बुद्ध को देखा और 42 प्रश्न पूछे। महात्मा बुद्ध ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही सही दिए। यह स्थल राजगीर से 30 किलोमीटर और बोधगया से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कथाओं के अनुसार ही इस इंद्रसाल गुफा में इंद्रसाल और बुद्ध के बीच संवाद हुआ था। इस बौद्ध पर्यटक के रूप में विकसित किया जा सकता है लेकिन पार्वती के बारे में जितना प्रचार प्रसार किया जाना है अब वो अब तक नहीं हो पाया है। इस पर अभी शोध जारी है। बिहार में बारिश के लिए अभी करना होगा और ज्यादा इंतजार। हाल ही में बिहार के लगभग सभी जिलों में हुई अच्छी बारिश के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ी थी कि बिहार में अब लोगों को गर्मी की मार से छुटकारा मिल गया है लेकिन एक बार फिर से बिहार में मॉनसून कमजोर पड़ गया है जिसके बाद से ही बिहार में अभी बारिश की बूंद का और ज्यादा इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसूनी रेखा दक्षिण होने के कारण बरसात की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 12 जुलाई तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के विशेषज्ञ ने बताया है कि इस दौरान तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। बीते एक सप्ताह में तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 30 जून को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम था। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण पर ग्रहण।
बिहार में सड़कों को सुदृढ़ करने का काम भले ही जोर शोर से किया जा रहा हो, लेकिन कुछ सड़कों के निर्माण का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है, जिसमें से एक नाम बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का है। कहने को शिलान्यास के 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी बरसात का मौसम है। ऐसे में 2-3 महीने बाद काम शुरू होने की उम्मीद है, जिसकी भी संभावना कम लग रही है। ऐसे में लोगों को डबल डेकर पर आवागमन करने का लुफ्त उठाने के लिए अभी और लंबा इंतजार करना भी पड़ सकता है। मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि जेपी गंगा पथ पीएमसीएच तक शुरू होने के बाद अब इसमें काम हम लोग गति के साथ कर रहे हैं, लेकिन इसी रोड में मेट्रो का भी अलाइनमेंट है और उसके कारण भी कहीं ना कहीं पेंच फंस रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गांधी मैदान स्थित कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक बनने वाला डबल डेकर फ्लाईओवर 2.20 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी चौड़ाई 7.50 मीटर होगी। सैलरी के 23 लाख लौटाने वाले प्रोफेसर ने मांगी माफी। बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर ललन कुमार उस वक्त चर्चा में आ गए जब उन्होंने 2 साल 9 महीने की सैलरी में मिले 23 लाख रुपए कॉलेज प्रशासन को लौटाने की पेशकश की थी, लेकिन अब इस मामले में धीरे धीरे कर कई सच्चाई सामने आ रही है। आलम कुछ यूं है कि अब प्रोफेसर ललन कुमार बयान से पलट गए हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफर न होने से दुखी होकर नाराजगी में ऐसा उन्होंने बयान दिया था। कॉलेज में छात्रों की अनुपस्थिति की बात भी गलत है। हैरानी की बात तो यह है कि 23 लाख का चेक काटने वाले ललन कुमार के बैंक अकाउंट में 1000 से भी कम बैलेंस है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ललन कुमार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के नीतीश्वर सिंह कॉलेज में कार्यरत है। कहा जा रहा था कि प्रोफेसर एमए के छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन छात्र आते ही नहीं थे। उनकी पढ़ाई बेकार जा रही है। बिहार के सभी जिलों में साइकिल से भ्रमण कर रही अर्पणा पहुंची बेगूसराय। महिला सशक्तिकरण को लेकर बिहार भ्रमण करने निकली अर्पणा बीते दिन बेगूसराय पहुंच गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अर्पणा 26 जून से नालंदा से अपनी साइकिल से बिहार के सभी जिलों का भ्रमण कर रही है। इस दौरान वो नारी सशक्तिकरण का संदेश भी दे रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि शुक्रवार को 15 जिलों की यात्रा को पूरा करते हुए अर्पणा बेगूसराय पहुंची। इसके बाद समस्तीपुर के लिए वो निकल चुकी है। अर्पणा ने इस दौरान बताया कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना उनका थीम है। समाज में महिलाएं सशक्त हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर पहुंच चुकी हैं। अब सभी राशन कार्डधारियों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। बिहार के सभी राशन कार्डधारियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के सभी राशन कार्डधारियों को अब मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन इसकी जानकारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालों के लिए आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करने के दौरान दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर लाभ मिलेगा, जिसके फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर्ड हो जाएगी। मंत्री मंगल पांडे की माने तो वर्तमान में राज्य में 1.09 करोड़ परिवार इस योजना के अंतर्गत बतौर लाभार्थी केंद्र सरकार से सूचीबद्ध है, लेकिन राज्य के अंदर सभी राशन कार्डधारी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे। लगभग 1.80 करोड़ परिवार है जो राशन कार्डधारी है, ऐसे में इनके इलाज की व्यवस्था हो रही है। शिंजो आबे के गुजर जाने पर सीएम नीतीश ने जताया दुख। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के गुजर जाने के बाद जापान में तो शोक की लहर है ही, साथ ही सभी देश भी मर्माहत है, जिसमें एक नाम भारत का भी है। यही कारण है कि भारत ने शिंजो आबे के गुजर जाने के बाद एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं सीएम नीतीश ने भी शिंजो आबे के गुजर जाने पर अपनी शोक संवेदना प्रकट की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि साल 2018 के फरवरी में जब मेरी जापान यात्रा हुई थी तब उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्हें बिहार की विशेष समझ थी, देश से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी, वो भारत के सच्चे दोस्त थे और भारत से उनका विशेष लगाव था। यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जापान संबंधों को सुदृढ़ बनाने में शिंजो आबे की भूमिका बेहद ही अहम रही है। वो काफी मिलनसार और लोकप्रिय थे। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री पारस से मिलने पहुंचे शाहनवाज हुसैन। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाने और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स तैयार करने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इसी को तैयार करने के लिए बीते दिन बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस से मुलाकात की है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर विमर्श के साथ ये भी तय हुआ है कि यथाशीघ्र पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और उद्योग विभाग बिहार सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी। साथ ही पटना में इस सेक्टर के बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में एक फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव भी किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद रालोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दी है। लालू यादव से मिलने पहुंचे राहुल गांधी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। जैसा कि आपको पता है कि राजद प्रमुख इन दिनों बीमार चल रहे हैं, ऐसे में कई बड़े चेहरों का आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली एम्स में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सेहत का हाल जानने पहुंचे। अस्पताल में राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और साथ ही डॉक्टरों से उनकी तबीयत का अपडेट भी लिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बाद शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव की सेहत से जुड़ी अच्छी खबर मिली। कहा जा रहा है कि दिल्ली एम्स में भर्ती होने के बाद लालू प्रसाद यादव की सेहत में काफी सुधार देखा जा रहा है। अशोक चौधरी ने आरसीपी पर साधा निशाना। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह के बयान को लेकर इन दिनों पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, क्योंकि दिल्ली से पटना पहुंचने के साथ ही आरसीपी सिंह ने कहा था कि मैं अपने परिश्रम और मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं, जिस पर ही अब मंत्री अशोक चौधरी ने इस मामले में अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता के रूप में उनकी क्या उपलब्धि है बताएं। आरसीपी सिंह का राजनीति में क्या परिश्रम है, कौन सी पार्टी में उन्होंने कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। अगर उन पर नरेंद्र मोदी जी की कृपा थी तो ये बात भी सत्य हो गई कि नीतीश जी की रजामंदी से मंत्री नहीं बने थे। आरसीपी सिंह भविष्य में क्या करेंगे ये अलग बात है, लेकिन ये कहना कि मैं परिश्रम से आया हूँ ये पूरी तरह से हास्यास्पद है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने ली उच्च सदन की सदस्यता की शपथ। बीते दिन बिहार समेत देशभर के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ले ली है। इस दौरान ही केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल सहित राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित 27 सदस्यों ने शुक्रवार को उच्च सदन की सदस्यता के दौरान शपथ ली, और इस दौरान 27 सदस्य 10 राज्यों से हैं और उन्होंने 9 भाषाओं में शपथ ली। 12 सदस्यों ने हिंदी में और 4 ने अंग्रेजी में शपथ ग्रहण की, जबकि 2 सदस्यों ने संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उड़िया भाषा में शपथ ली। वहीं एक एक सदस्य ने पंजाब, तमिल और तेलुगु में शपथ ग्रहण की। कुल निर्वाचित 57 सदस्यों में से 14 सदस्य ऐसे थे जिनकी फिर से राज्यसभा में वापसी हुई है। बिहार से भी हाल ही में 5 सदस्यों का राज्यसभा के लिए निर्वाचन हुआ था, जिसमें एक उपचुनाव और शेष 4 का निर्वाचन 6 साल के लिए हुआ है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत देश का पहला स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज का नेतृत्व स्वीकार किया था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। भारत द्वारा पाक सीमा पर 2 चौकियां स्थापित करने की घोषणा 2001 में हुई। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र का ध्यातत्व कार्य हेतु ओटोट स्टॉक रिसर्च पुरस्कार 2007 में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता, संसदीय मामलों के मंत्री और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा का जन्म 1900 में हुआ था। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजीव कुमार का जन्म 1938 में हुआ। धार्मिक उपदेशक चैतन्य देव का निधन 1533 में हुआ था। बतौर कप्तान रोहित शर्मा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 3 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में 50 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत की फुल टाइम कप्तान रोहित शर्मा ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कोविड के कारण इंग्लैंड के खिलाफ रीस्केड्यूल टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बन पाए रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान टी20 सीरीज में शानदार वापसी की। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में जीत हासिल करके रोहित ने फुल टाइम कप्तान बनने के बाद टी20 इंटरनेशनल में लगातार 13वीं जीत हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और वो खेल के इतिहास में सबसे छोटे प्रारूप में ऐसे करने वाले दुनिया के पहले टी20 कप्तान बन गए हैं। बिहार में मिले कोविड-19 के 400 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 422 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1741 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, अरवल में 10, औरंगाबाद में 1, बांका में 23, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 17, भोजपुर में 5, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, ईस्ट चंपारण में 4, गया में 46, जमुई में 3, जहानाबाद में 14, खगड़िया में 10, किशनगंज में 2, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 4, मधुबनी में 6, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 3, नवादा में 2, पटना में 165, पूर्णिया में 5, रोहतास में 4, सहरसा में 4, समस्तीपुर में 4, सारण में 7, शेखपुरा में 2, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 3, सिवान में 1, सुपौल में 4, वैशाली में 17 मामले की पुष्टि हुई। इसके अलावा 4 ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 116,443 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 254 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट नंबर सेव करने का बदला तरीका।
अगर आपको WhatsApp पर कॉन्टैक्ट सेव करना थकाऊ लगता है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल मैसेजिंग ऐप में एक ऐसा खास फीचर मौजूद है जिसके जरिए आप आसानी से और सेकंड में किसी का नंबर सेव कर सकते हैं। ये तरीका QR कोड से जुड़ा है। अगर आप WhatsApp QR कोड का उपयोग करते हैं तो इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और प्रक्रिया आसान है। WhatsApp एक इनबिल्ट QR कोड के साथ आता है जो यूजर को कुछ ही टैप में अपने परिवार और दोस्तों को जोड़ने की अनुमति देता है। ये न केवल पर्सनल यूज के लिए बल्कि बिजनेस कॉन्टैक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नीतीश कुमार, मंतोष कुमार, रितिका राजपूत, गौतम कुमार, अमर आजाद, रंजीत मिश्रा, रविशंकर, नीरज कुमार, कुश कुमार यादव, साहिब गुप्ता, पुष्कर कुमार, प्रदीप कुमार सिंह, गौरव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले में क्या भारतीय टीम जीत के साथ ही सीरीज पर कब्जा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।